इसके ऊपर ये टॉप है। कम कर देते थोड़ी कम हो गई है सुना। क्या थी? हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। और मैं ये जो व्लॉग बना रही हूँ वो है दिवाली का व्लॉग। वैसे तो मैं दिवाली घर पे मना रही हूँ, बट क्योंकि इस दिवाली पे सब लोग, मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, सब लोग अलग अलग जगह पे, कोई अपने ससुराल जा रहा है, कोई अपने घर जा रहा है, कोई कहीं और जा रहा है, तो सब लोग दिवाली में अलग अलग हैं। तो इसलिए सबने सोचा कि क्यों ना हम दिवाली से पहले एक डिनर प्लान करें, जो मतलब दिवाली से पहले मिल लेते हैं। तो इसीलिए आज हमारा डिनर है पलक के घर पे। और मैंने आज सुबह सुबह मना कर दिया था कि मैं आज नहीं आ रही हूँ, क्योंकि सुबह मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। और दोपहर होते होते ना मुझे मेरा एक फ़ोटोशूट भी था आज, तो मुझे लगा यार मैंने कमिटमेंट किया हुआ था और मुझे दो दो लोगों को मना करना पड़ेगा, तो मुझे अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो मैंने थोड़ा काढ़ा वाढ़ा पी के अपनी तबीयत ठीक की और फिर मैंने फ़ोटोशूट ख़त्म कर लिया। और अभी मैं बैठी थी क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, आराम से बैठती हूँ, चाय वाय पीती हूँ और उसके बाद मैं रेडी होती हूँ डिनर के लिए। बट उससे पहले ना अमेज़ॉन से मैंने कुछ ऑर्डर किया था और वो आ गया, तो मैंने सोचा वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने ये लिपस्टिक ऑर्डर की थी, जो तो मैंने अभी थोड़ी सी अप्लाई भी की है, बट मिटा दी थी उसको क्योंकि ये ज़्यादा लगा ली थी मैंने। ये वाली है, इसमें ब्राउन कलर की जो लिपस्टिक है, ब्राउन कलर का शेड है वो मेरे पास है, क्योंकि वो ना पहले पंड्या स्टोर जब मैं करती थी तो मेकअप दादा के पास था और मेकअप दादा ने फर्स्ट डे पे मुझे वो अप्लाई किया था, तो मुझे वो इतना अच्छा लगा कि हर बार मैं वही मांगती थी। मेरी सारी लिपस्टिक साइड में रहती थी और मैं उनसे वही मांगती थी, तो उनको समझ में आया कि मुझे बहुत पसंद है और मैं बार बार पूछती थी कहाँ मिलेगा इसके दूसरे शेड्स, मुझे चाहिए वो। मैंने पता भी कर लिया था कि अमेज़ॉन पे मिलेगा, बट जब मेरा लास्ट डे था तो उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया था वो ब्राउन शेड कि आपको इतना पसंद आया है तो आप रखो। तो वो मेरे पास है, वो मैं यूज़ करती हूँ और काफ़ी चलेगा वो। बट वो मुझे इसका टेक्सचर जो है ना वो इतना अच्छा है, मतलब स्मूद है और मुझे ज़्यादा कैसे बताओ नहीं पता। हाँ ठीक है, तो ये लिपस्टिक ऐसी है जो स्टे भी करती है और इसका टेक्सचर जो है ना वो लिप्स को ड्राई नहीं करता, तो मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने इसका दूसरा शेड ऑर्डर कर दिया। दूसरा मैंने ऑर्डर किया था, मेरे पास सनस्क्रीन था बट अभी मैं घर जा रही हूँ और वहाँ पे ना बहुत धूप पड़ती है और मेरा घर जिस तरह से है तो वहाँ पे ज़्यादातर हम लोग टाइम बाहर ही स्पेंड करते हैं और डायरेक्ट धूप आती है, तो इसलिए मैंने ये वाला भी ऑर्डर कर दिया। मैंने कभी ये यूज़ नहीं किया है स्टिक वाला, बट फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। मुझे नहीं पता है क्या है कि इस मतलब कैसा है, इसका रिजल्ट कैसा है, क्या कुछ भी नहीं पता, बस मैंने ऑर्डर कर दिया है। लेट्स सी कि कैसा होता है। मैं अभी काफ़ी फंबल्स कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हूँ और इसलिए मुझे माफ़ कर दिया। और क्या मंगाया मैंने, हाँ और तो कुछ एक और चीज़ आ रही है मेरी, आज ही आ जाएगी। और एक है जिस ट्राईपॉड पे मैं अभी शूट कर रही हूँ, वो ट्राईपॉड भी मैंने मंगाया है। सो मेरे पास ना और भी दो ट्राईपॉड्स हैं, बट वो इतने हैवी है, अच्छी क्वालिटी के हैं और बड़े भी हैं, तो मेरी बैग में भी वो नहीं आ रहे, तो मुझे घर ले जाना है, इसलिए मैंने सोचा कोई लाइट वेट सा हो जो आसान रहे घर पर ले जाने के लिए, बैग में आ जाए, तो मैंने ये वाला ऑर्डर किया। बहुत सस्ता सा था और अच्छा है, मतलब ठीक है, काम चलाने के लिए ठीक है, कभी कभी यूज़ करने के लिए ठीक है। तो मैं अभी उसी पे फ़ोन लगा के अपना ये व्लॉग शूट कर रही हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ बट फिर भी हम तैयार होंगे। मतलब मेकअप में मैं कुछ ज़्यादा ही करने वाली हूँ और आपको लग रहा होगा ना कि मैं कैसे भूत जैसे बाल लेके बैठी हूँ, तो ये इसलिए क्योंकि मैंने फ़ोटो शूट किया अभी और उस फोटोशूट में मैंने अपने बालों को काफ़ी यूज़ किया है, लाइक बाल इधर से उधर जा रहे हैं और डांस भी कर रही हूँ, तो उसमें मेरे बाल ना काफ़ी मतलब ओपन हो गए हैं, कर्ल्स मेरे,
तो ऐसे लग रहे होंगे, बट कोई बात नहीं, हम देखते हैं मेरी नेक्स्ट कपड़ों में हम क्या बाल लेके जाए, और मैं आपको मेरे कपड़े भी दिखाती हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ, ठीक है। ओके, सो जो ड्रेस मैं पहन रही हूँ वो ये वाली ड्रेस है, उसके साथ ये एक पैंट है और इसके ऊपर ये टॉप है। पर मुझे ना पहले इसको आयरन करना पड़ेगा। ओके गाइस, सो मैं रेडी होने से पहले ये सैलेड खा लूँगी, क्योंकि मैंने एक चैलेंज लिया है और चैलेंज के 30 डेज हो गए और आज डे है 31, तो मैं इस चैलेंज को नहीं छोड़ना चाहती हूँ। इसलिए मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो पहले मैं अपना सैलेड खा के जाती हूँ, तो मैं ये सैलेड खाऊंगी और मुझे बॉइल्ड चिकन भी खाना है जो मैं आने के बाद खाऊंगी, चाहे कितना भी लेट हुआ होगी वहाँ पे भी मैं खाऊंगी, बट थोड़ा कम खाऊंगी और जो मैंने चैलेंज लिया है वो मैं पूरा करूंगी, इसलिए मैं ये खा के जाऊंगी। सो मैं पहले खा लेती हूँ, उसके बाद तैयार होना शुरू करती हूँ। ओके गाइस, सो मैं रेडी हो गई हूँ, मेकअप हो गया है, लाइट मेकअप है, मैंने लिपस्टिक वही अप्लाई की है जो मैंने अभी भी नहीं ली है। बाल क्योंकि मेरे आज सेट नहीं थे, हेयर वॉश करने का दोबारा हेयर वॉश करने का टाइम नहीं था, सो मैंने अपने बाल इस तरह से बनाए हैं। और क्योंकि अब मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं तो हर बार ओपन रखना पॉसिबल नहीं होता है, जब वो फ्रेश कर्ल्स होते हैं ना तब ओपन रख सकती हूँ, बट फिर थोड़े से अगर बिखर गए ना तो फिर उसे ओपन रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो मेरी ड्रेस मैंने पहन ली है, वो मैं वहां जाके आपको फुल ड्रेस दिखाऊंगी, बट अभी एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है जो मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे ये पहनना चाहिए कि फिर ये पहनना चाहिए। लग तो ये भी बहुत अच्छे रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये कितने पुराने हैं, मैं आपको बताऊं 9 साल के आसपास। ओके, सो हम लोग पहुंच गए हैं पलक के घर पे और ये है पलक का आलीशान घर। दिवाली पार्टी शुरू हो गई है और हम वेट कर रहे हैं बाकी 5 दोस्तों के आने का। बहुत बहुत 15 साल में मुश्किल से 5 दोस्त सच्चे कमाए और यही सच्चे लोग हैं। सारी वाइब्स ही मैच नहीं करती, वाइब्स मैच करती, वो वाइब्स बहुत कोशिश करते कि बहुत कोशिश करते हैं पर मैच नहीं करती, फिर टूट जाते हम भगा देते हैं। तो ये है हमारा दिवाली व्लॉग और मुंबई में हम दोस्तों के साथ दिवाली मना रहे हैं, फिर अपने अपने घर जाएंगे, अपने अपने ससुराल जाके दिवाली मनाएंगे सब लोग। अपने ससुराल Oh,
क्या बंदा आ गया देखो क्या मेरा सामने एक्शन ये कचरा फेंक दो तो तीनों जाके बाहर मैं काम करूंगी।